कोटा एसीबी ने नारकोटिक्स ब्यूरो में पकड़े गए सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी चंद्रशील ने बताया कि पूरे मामले में मुख्य रूप से नारकोटिक्स ब्यूरो, पुलिस के अधिकारी और तस्करों की भूमिका सामने आई है और इन तीनों की तगड़ी ने अफीम की तस्करी कर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की थी और जिसका खुलासा तस्कर से मिले रजिस्टर से हो पाया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि किसानों से पट्टे निरस्त करने के नाम पर डरा धमका कर वसूली की जाती थी। आपको बता दें कि कोटा एसीबी ने इस मामले में दलाल छगन सिंह और नारकोटिक्स उप निरीक्षक भानु प्रताप को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नारकोटिक्स अधीक्षक सुधीर यादव और एएसआई प्रवीण सिंह अभी तक भी फरार चल रहे हैं। संगठित भ्रष्टाचार वहां पर था। नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी काश्तकारों का शोषण कर रहे थे, उनको दबाव में लेकर नपती में गड़बड़ कर रहे थे। अफीम प्रोड्यूस बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी, किंतु उसको कम दिखाया जा रहा था। नष्टीकरण नहीं किया जा रहा था, जो डोडा के पेड़ होते हैं उनकी, अफीम के पेड़ का नष्टीकरण भी प्रॉपरली नहीं किया जा रहा था। इस सब के एवज में काश्तकारों से वो पैसे प्राप्त कर रहे थे, रिश्वत प्राप्त कर रहे थे। जो अफीम है उसकी खपत तस्करों के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में भिजवाया जा रहा था, यानी तस्करी को प्रमोट किया जा रहा था। आज हमने चालान इन भानु प्रताप के खिलाफ पेश किया है। जो पांच अन्य लोग हैं जिनमें सुधीर यादव और प्रवीण सिंह फरार चल रहे हैं, और इसके अतिरिक्त जो तस्कर अन्य तस्कर और मुखिया दलाल हैं किशन उदयराम, इनके खिलाफ अनुसंधान जो है पेंडिंग रखा गया है 173। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।